यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहां पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहां पर गाइस हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और अभी ना देखो वीडियो का स्टार्टिंग ही है, मुझे कॉमेंट करके बताओ। ये देखो स्टेरिंग व्हील यहाँ पर है, फिलहाल मैंने कुछ अलग तरीके से यहाँ पर सेटअप वगैरह किया है तो कॉमेंट करके बताना। ये वाला भाई देखो मेरा फ्रेम है, इतने ऊपर यहाँ पर आपको स्टेरिंग इतना दिख जाएगा और इधर शायद इधर है। हाँ जी हाँ दोस्तों इधर है, वहां पर आपको पूरा का पूरा स्टेयरिंग व्हील दोस्तों यहाँ पर जो है दिख रहा होगा। हम ऑटोमेटिक कार्स चला रहे हैं, ठीक है, मैनुअल कार्स नहीं चला रहे हैं। तो सब कुछ आपको सेटअप कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए हम हेडफोन्स लगा लेते हैं यार दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाइज यहाँ पर हेडफोन्स वगैरह लग चुके हैं और आज हमारे साथ है, जी हाँ दोस्तों आज हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर है दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर, मॉन्स्टर टोयोटा फॉर्च्यूनर। जी हाँ दोस्तों आज हम इसको मड के अंदर चलाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। गाड़ी देखो यार फ्रेंड से कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है भाई साहब, मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर के यार क्या ही कहने दोस्तों। पीछे से लुक चेक करो, ओ माय गॉड गाइस क्या गाड़ी लग रही है यार। तो भाई साहब मैं इस गाड़ी को ना मड के अंदर चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने ज़्यादा हैं कमेंट करके बताइए। और चलिए हम चलते हैं। तो फाइनली हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, बढ़िया। ओके ओके, ये इसका हॉर्न, यहाँ से गाड़ी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है गाड़ी का, ठीक है। भाई साहब मैं आपको अंदर से इंटीरियर चेक कर रहा हूँ, तो ये चेक करें आप। ये देखो मेरा स्टीयरिंग व्हील, जैसे मैं अपने स्टीयरिंग व्हील को हिला रहा हूँ ना वैसे ही यहाँ पर ये वाला मतलब जो सेक्शन है वो हिल रहा है। देखो चेक करो, ये देख रहे हो। प्लस दोस्तों यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, सारी की सारी डिस्प्ले वगैरह सारे के सारे फंक्शन वगैरह आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं पुश स्टार्ट बटन दबाता हूँ और उसी से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए दोस्तों चलते हैं। ओ भाई साहब, ओ तेरी, इसके चारों इंडिकेटर जला दिए हैं भाई मैंने। गाड़ी क्या लग रही है दोस्तों, मतलब इसको ना मड के अंदर मैं चलाना चाहूँगा। मड चैलेंज तो मेरे हिसाब से गाड़ी इजीली कर लेगी। ये देखो, ओ भाई मतलब गाड़ी इतनी ना भाई देखो इतनी ज़मीन से इतनी ऊपर है कि गाड़ी के सिर्फ रिम ही यहाँ पर थोड़े थोड़े से वो हुए हैं। अब मैंने इसको पूरे के पूरे पानी में ले जाने की कोशिश करता और वहाँ पर देखूँगा। ओके तो जैसे कि पानी के अंदर आ चुके हैं हम, इस पानी में ना अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो है फिसल जाती हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो है डूब जाती हैं। पर एक गाड़ी चेक करो, ओ भाई कितने कैसे तरीके से यार ये गाड़ी जो दोस्तों इधर चल रही है ये चेक करें आप। ओ भाई साहब मतलब जो चलने का एक अंदाज भी यहाँ पर होता है ना वो भी भाई गाड़ी का एकदम ही अलग है, फॉर्च्यूनर का एकदम ही अलग है। और मैं आपको बता दूं ये वाली जो गाड़ी है दोस्तों फॉर्च्यूनर 2022 वाला मॉडल है, बिल्कुल लेटेस्ट कार है गाइस, ठीक है ना। ओके आराम से, क्या बात है भाई साहब गाड़ी क्या चलती है, मतलब गाड़ी को चलाने में एकदम ही अलग ही मजा आता है। वो तेरी मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर की भाई साहब बात ही अलग है यार दोस्तों। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा ना कीचड़ वाला इलाका है, मैं थोड़े से कीचड़ वाले इलाके में गाड़ी को जो चलाने की कोशिश करता हूँ। ओके क्या बात है भाई साहब, गाड़ी हो तो यार ऐसी कि मतलब ऑफ रोडिंग अगर आप घर से करने निकले हो ना भाई तो कहीं पर भी तुम ना रुको। ये चेक करो, यहाँ पर कमल के फूल वगैरह भी हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसीलिए इस वाले इलाके में मैं ज़्यादा आता हूँ, यहाँ पर ऑफ रोडिंग करने में ना मज़ा ही कुछ ज़्यादा आता है। क्या गाड़ी चलती है यार, मतलब फॉर्च्यूनर की क्या ही कहने, एकदम तो कस्टम व्हील्स लगवाने के बाद इतने बड़े बड़े, तो पहले ही मैंने इस गाड़ी के अंदर भाई खर्चा करके इतने बड़े बड़े यहाँ पर अलॉय व्हील्स लगवा दिए, तो गाड़ी का ना भाई एकदम यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना भाई एक नंबर हो चुका है गाइस। अमेजिंग यार अमेजिंग, क्या ही कहने यार इस चीज़ के, क्या ही कहने, बढ़िया। मैं तो भाई देखो उस गाड़ी को बहुत ही आराम से चला रहा हूँ और चलाने में दोस्तों गाड़ी को जो मज़ा है ना भाई वो मैं बता नहीं सकता यार, गाड़ी कितनी अमेजिंग चलती है। चलो
थोड़ा सा ना मैं पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपने यहाँ पर फेसबुक पर भी ना, जैसे कि जो लोग मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपने एक वीडियो देखी वो, उसके अंदर ऑडी A4 के अंदर ना इतने से पानी में, देखो इतने से पानी में को बंदा बता रहा है कि गाड़ी गई और वो सीडान गाड़ी है, तो नीचे से ना कुछ चीज से उसने पानी ऐसे खींच लिया और इंजन सीज हो गया, इतनी सी पानी में इंजन सीज हो गया गाड़ी का। और इंजन ठीक करने के लिए कंपनी यहाँ पर पैसे मांग रही दोस्तों 4 लाख रुपए। भाई साहब ऐसा यार हमारे इंडियन गाड़ियों के साथ तो खैर होता नहीं, अपनी इंडियन कार्स भाई अमेजिंग ही है यार, ये चेक करो ठीक है। मतलब फॉर्च्यूनर को देखो कितने कितने पानी में मैंने घुसेड़ दिया यार, ये देखो कैसे निकलती यार अपनी फॉर्च्यूनर। मतलब फॉर्च्यूनर का ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल भी यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गाड़ी को कैसे ही चलाओ किधर से ही निकालो। गाड़ी देखो ये कैसे चलती है, अभी ना मैं इस गाड़ी को इधर से निकालने की कोशिश करता हूँ। ओह माय गॉड गाइज, गाड़ी के अंदर रेडिएटर के उससे माध्यम से पानी भी चला जाए बट कुछ नहीं होता। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि हमारे इन इंजन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से वाटरप्रूफ बनाती है, जैसे कि टोयोटा। ये भी चेक करो टोयोटा की गाड़ी देख रहे हो कैसे चलती है। ओ माय गॉड लगता है भाई इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है। चल 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 चल, ओ भाई साहब, ओ भाई फॉर्च्यूनर में पानी घुस गया यार, फॉर्च्यूनर के अंदर दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा पानी घुस गया तो मेरे साथ ही पोपट हो गया खतरनाक वाला। चलो कोई नहीं यार, अभी ना मैं इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर लाइट आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ गाड़ी अपना कर रही होगी। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं दोबारा से बटन दबाता हूँ। राइट गाइस, मैंने कहा था ना यार ऐसा गाड़ी के अंदर दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आता है भाई फॉर्च्यूनर के अंदर। तुम कभी भी कोई सी भी फॉर्च्यूनर को ऐसे चला रहे हो ना, फॉर्च्यूनर के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा इशू नहीं आता है। चलो भाई क्या मज़ा आया यार, मैं दोबारा से एकदम तेज़ी से निकालूंगा आपकी बात। असल में ना गाड़ी एक ही जगह गोल गोल घूम रही थी तो उससे ना बैक कंप्रेशन इंजन का थोड़ा सा वो गलत हो जाता है, तो उससे दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है ठीक है ना। क्या गाड़ी चल रही है दोस्तों, क्या गाड़ी चलती है भाई। मैं इस गाड़ी को चला चला गया ना, मैं आगे तक लेकर चलता हूँ आराम से। चल ओ तेरी भाई साहब कितने ज्यादा है पंछी से उड़ रहे हैं। चल 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 भाई साहब, फॉर्च्यूनर का दोबारा बैक कंप्रेशन हो गया दोबारा से, मुझे ऐसा लग रहा है। रुक जाओ गाड़ी के अंदर बैठे रहो, अभी निकलेगी यार गाड़ी दोबारा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मतलब गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी अभी निकलेगी टेंशन फ्री। राइट आराम से चलते हैं यार, बढ़िया क्या बात है यार। बट एक बात है दोस्तों, फॉर्च्यूनर चलाने में यार जो मजा है ना, और चौड़े चौड़े टायर डालने के बाद भाई जब यहाँ पर जो फॉर्च्यूनर चलती है भाई उसका मजा ही कुछ और है। ये फॉर्च्यूनर मजा ही कुछ अलग देती है यार, भाई साहब यार मजा ही आ जाता है। चलिए आराम से निकालूंगा मैं बहुत आराम से, क्योंकि ना गाड़ी के इंजन में ना, जैसे फॉर्च्यूनर जो कार है ना दोस्तों, इसके इंजन में एक दिक्कत है, जब ये ज़्यादा पानी में जाता है ना तो अपने आप को लॉकअप कर लेता है ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद खुलता है एकदम से, फिर निकलने के लिए ना पावर बनानी पड़ती है। तो ये तुम फॉर्च्यूनर की खास बात भी कह सकते हो कि नदी वगैरह के अंदर अगर दोस्तों आप सभी लोग कहीं पर भी फंस जाते हो तो गाड़ी एकदम तुम्हारी जो है निकल जाएगी। चलिए क्या बात है भाई, फॉर्च्यूनर को चलाने का मज़ा ही अलग है। थोड़ा ना मैं भाई अब अंदर को चलाता हूँ गाड़ी को, एकदम यहाँ से तेज से निकालूंगा। ओ तेरी क्या बात है यार, गाड़ी क्या चलती है यार दोस्तों, मुझे गाड़ी से ना भाई प्यार हो गया, मतलब फॉर्च्यूनर से कितनी ज़्यादा प्यारे तरीके से दोस्तों गाड़ी हम जो चलती है मज़ा आ जाता है। अरे वो कौन है यहाँ पर, ये लड़की क्या कर रही है। ओके भाई यहाँ पर लड़की चिल्ला रही है, इसकी गाड़ी पानी में गिर गई है। भाई साहब मैडम जी गाड़ी पानी में गिर गई आपकी, पर गाड़ी तो दोस्तों मुझे यहाँ पर पानी में दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि देखता हूँ है भी गाड़ी या नहीं। मेरे हिसाब से थोड़ा पानी के अंदर नीचे को डूबी हुई गाड़ी, नहीं दिख नहीं रही है यार। ओके 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 दिखी ये गाड़ी कौन सी है भाई। अच्छा तो ये है, देखो ब्लैक सी, देखो दोस्तों ध्यान से देखो, देखो तुम्हें दिख रही होगी, हल्के हल्के से देखो
मतलब बिल्कुल ना ऐसा नजर नहीं आ रही है गाड़ी। तो बेचारी यार मैडम बहुत ज्यादा रो रही है, रुक जाओ उनकी गाड़ी बाहर निकालते हैं यार, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, लोगों की मदद तो देखो यहाँ पर करनी चाहिए। रुक जाओ यहाँ से तो निकल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखते हैं पहले निकलेगी कैसे, वो रॉप लगानी पड़ेगी, यही है ना? ओके हाँ यही है यार, चलो रॉप लगाते हैं। इसके साथ से लेके भैया वे कहाँ गई? हाँ 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 चलो, खैर अभी पता नहीं भाई रस्सी का, रस्सी कैसे लगी है कैसे लगी, अभी गाड़ी को खींच के देखते हैं कि समझ भी नहीं आया कुछ कैसे यहाँ पर रॉप लगी है। फॉर्चुनर ऐसे तो खींच नहीं पाएगी, क्योंकि बताओ क्यों नहीं खींच पाएगी ऐसे, मैं बता दूं देखो तुम्हें पूरा थ्रॉटल है यहाँ पर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर चेक करो जब भी लाइट जलती है ना तो पूरे आरपीएम है भाई, क्योंकि कीचड़ है ना दोस्तों, ग्रिप नहीं बन पा रही है गाड़ी के इंजन की। ओ भाई साहब मैडम की तो मर्सिडीज है यार, मैम रुक जाओ तुम्हारी गाड़ी तो हमें खींचेंगे यार, कैसी बातें कर रही हो तुम, चल तेरी धन्नो। दोस्तों झटका मार मार के फॉर्चुनर, ओके मैम चलिए आपकी गाड़ी निकल चुकी है यार यहाँ से। भाई साहब बोनट के ऊपर ये लगा था, भाई साहब ये मर्सिडीज की कार है ये चेक करो, पर ये बेचारी गाड़ी पानी में कैसे घुस गई थी यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। WLD मर्सिडीज मे बैच, सही है मैम आ जाइए, अब आपकी कार जो है यहाँ पर निकल गई है, ठीक है आ जाइए। तो गाइज यार मतलब आज के ऑफ रोडिंग में आई होप कि आपको मज़ा आया, अगर दोस्तों यहाँ पर लोगों की मदद भी करनी चाहिए ठीक है ना, अगर आप सभी लोग कहीं पर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं किसी को ऐसी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है तो प्लीज़ यार आप भी हेल्प करना, जैसे कि तुम्हारा भाई हेल्प करता है ठीक है। और बेचारी बेसहारा लड़की थी यहाँ पर थी, तो कोई इसकी मदद के लिए भी ना यहाँ पर भाई मिलता, तो मैंने सोचा चलो भाई मैम की यहाँ पर मदद ही कर दी जाए। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, मैडम जी वहां पर खड़ी हैं ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए खुश रहिए, बाय।